अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने कपड़ों को अगर स्पिन करना चाह रहे हैं, आपने हैंड वॉश किए हैं या गीले कपड़े हैं आपके पास और आप उनको स्पिन करना चाह रहे हैं, या फिर आपने एक दफ़ा इसमें ड्राई कर लेने के बाद आपको लग रहा है कि अभी कपड़ों को मज़ीद स्पिन करना है मुझे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना वॉशिंग मशीन को ऑन करना है और यहाँ से हम प्रोग्राम से, आपको पता है मोड होते हैं, या हम नीचे स्पिन का मोड है नंबर 3 पे, यहाँ पे आएंगे, ये नंबर 3 पे स्पिन का मोड है। इधर 11 मिनट्स जो है वो टाइम दे रहा है, ये इसका स्पिनिंग टाइम है, मैक्सिमम इतना ही है, इससे कम नहीं होता, ये 9 मिनट्स का स्पिनिंग टाइम है। तो यहाँ पे जो है आप स्पिन टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें कोई भी ये ऑप्शन ये देखें नहीं देगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये स्पिनिंग टाइम ही आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इसमें टाइम है वो यहाँ पर 7 मिनट्स शो हो रहे हैं ये, तो हमने इसको मैक्सिमम जो है उस पर रख के ये 11 मिनट शो करता है, लेकिन जब आप इसको ये देखेंगे 10 पे आ गया, जब आप इसको चलाएंगे तो ये टोटल 7 मिनट ही स्पिन करेगा, और 7 मिनट्स में बहुत अच्छे से कपड़े आपके स्पिन हो जाते हैं। तो अगर आपने करना है तो तरीका एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ, ये देखिए मैंने ऑफ़ की, ऑन कर ली, और यहाँ से मैं इसको मोड को लेके आऊँगी स्पिनिंग पे, ये स्पिन पे आ गया। यहाँ को आपने कुछ भी नहीं करना, किसी भी फंक्शन को नहीं छेड़ना, जस्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, तो अब ये जो है हमारे कपड़े जो हैं वो स्पिन हो जाएंगे, और ये 7 मिनट्स में बहुत अच्छे से स्पिन करता है। अभी इसमें कुछ पानी था बकेट में, वो पानी निकल रहा है, और उसके बाद ये देखें ये स्पिनिंग स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब ये स्पिन हो रहा हो तो उस वक्त आपने इसको स्टॉप के बटन को कभी भी नहीं दबाना है, एकदम से इसको रोकना नहीं है, वरना बड़ी ज़ोर से ब्रेक लगती है और आपकी मशीन डैमेज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये 7 to 8 मिनट्स जो है वो स्पिन होगा, और बहुत अच्छे से स्पिन होते हैं कपड़े, बहुत अच्छे से खुश्क होते हैं। हमारी एक सिस्टर थी, वो कह रही थी कि जी कपड़े ड्राई नहीं हो रहे हैं, तो आप जब एक दफ़ा मुकम्मल वॉश हो जाते हैं, आपके कपड़े स्पिन हो जाते हैं, तो आप यहाँ से इसी प्रोग्राम के साथ जो है दोबारा स्पिन पे जाके अलहदा 7 मिनट्स का मज़ीद उसको स्पिनिंग टाइम दे सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छे से आपके कपड़े जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं। ये देखें अभी ये टाइम चल रहा है जी, और ये तरीका है जी फ्रेंड्स अपने कपड़ों को स्पिन करने का, ये स्पिन होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से स्पिन होंगे। जी यहाँ पे देखिए अभी 2 मिनट्स रह गए हैं, और कपड़े हमारे स्पिन हो रहे हैं बहुत अच्छे से। और अगर अब भी इसके बाद भी लगे आपको कि इसको मज़ीद स्पिन करना है, तो आप दोबारा से उसी तरह से स्पिन कर सकते हैं 7 मिनट्स के लिए, अगेन एयर ड्राई करने से ज़्यादा बेटर है आप 2 दफ़ा इसको स्पिन कर लें। एयर ड्राई कैसे करते हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं, तो वीडियो वो भी मौजूद है मेरे चैनल पर, देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एयर ड्राई ख़ास तौर पे हायर में किस तरह से काम करता है, तो एयर ड्राई के हवाले से डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। अभी ये मशीन रुकने लगी है और हमने इसको स्टॉप नहीं करना है, इसको ख़ुद से रुकने देंगे, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कपड़े कैसे स्पिन हुए हैं। ये देखिए मशीन ख़ुद अपने हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता से स्लो डाउन करती है, अगर आप ढक्कन उठा देंगे एकदम से इसका, तो भी एकदम से ये ब्रेक लगा के रुक तो जाएगी, बट ये डैमेज कर सकती है आपकी मशीन की, ब्रेक्स ख़राब हो सकती हैं और बाद में फिर कोई काम निकल सकता है। तो इंशाल्लाह टब क्लीन के हवाले से भी जल्दी जो है वीडियो आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये लें जी, इसको फाइनल ब्रेक लगने लगी है, ये देखें मैं बिल्कुल नहीं उठा रही, हालांकि मैं चाहूँ तो उठा सकती हूँ, बट हम वेट करेंगे जी, ये देखिए ब्रेक लग गई इसको फाइनली। तो ये जी कपड़े स्पिन हो गए हैं, देखते हैं जी कैसे हुए स्पिन, बहुत अच्छे हुए जी, तकरीबन ये मेरे ख्याल में 60% 70% तक ड्राई कर दिए इसने बहुत अच्छे से, और 1 घंटे के लिए हम इसको फ़ैन के नीचे जो है वो मज़ीद खुश कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छे से खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए ये सारे मिक्स कपड़े थे, लीलन के गर्म कपड़े थे, तो बहुत अच्छे से स्पिन हुए।
जी फ्रेंड्स, ये हायर ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े जो हैं वो हमने स्पिन कर लिए हैं। बहुत अच्छे से स्पिन हुए हैं ये कपड़े, और तकरीबन एयर ड्राइज के साथ जो हमने किए थे उसमें और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम। आप इसको भी अगर दो दफ़ा स्पिन करेंगे तो वो एयर ड्राइज जैसा जो इसका इफेक्ट था वो आ जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो ये हैं वो कपड़े जो मैंने एयर ड्राई किए थे। बहुत अच्छे तो नहीं है, मैं आपको चेक करवाने के लिए जो है वो टिश्यू लेके आई हूँ। इसके ऊपर हम इसको देखें, ज़रा देखें, गीला हो गया, टिश्यू गीला हो गया, इसको ऐसे हम टिश्यू को रख के दबाया तो नमी है बिल्कुल थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इनको अभी भी हवा तो लगवानी पड़ेगी, ये उस तरह से ड्राई नहीं है। और कुछ तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं मुझे कि ये बिल्कुल मैंने जैसे आम स्पिन किए होते हैं ये। मैं अभी कह सकती हूँ कि तकरीबन ये 70% आप इसको कह सकते हैं ड्राई है, 30% अभी इनको मज़ीद खुश करना पड़ेगा हवा के नीचे, फ़ैन के नीचे या धूप में। तो एयर ड्राई हाँ जी हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं। लाइक पर्सनली मैं आइंदा कभी एयर ड्राई नहीं करूँगी, आप लोगों के लिए किया था फ्रेंड्स। तो इसका एयर ड्रायर फंक्शन इतना अच्छा नहीं है, ओके है, सो है, 70% तक इसने ड्राई किए आपके कपड़े।